देखिए, ये अपने आप में एक कॉन्फ्रेंस है, सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट और इसरे के द्वारा और आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के विभिन्न भागों से वैज्ञानिक आए हैं और पॉलिसी मेकर्स आए हैं, जो इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश में जो इंडोर एनवायरनमेंट यानी जो बिल्ड एनवायरनमेंट है, घरों में, ऑफिसेज में, मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे जो वायु है उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे। उसमें अगर कोई प्रदूषण है तो उस प्रदूषण के निवारण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट जो एक संस्थान है गैर सरकारी, उसका उद्देश्य है देश भर में और इंडोर एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि पहले हम इनकी गुणवत्ता को जांचें, इंडोर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाएं और उसके बाद इस बात के समाधान निकाले जाए कि किस तरह से और देश में इंडोर एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जरूरत मानते हैं सर आज डेट में, क्योंकि दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है, क्या बहुत सारी मेट्रो सिटी की देख रहे थे, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, कितनी जरूरी है अब इंडोर के लिए जिस तरीके से जो जी जो एयर क्वालिटी खराब है। देखिए, घरों में या क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जहां हम रहते हैं वो बाहर के वातावरण से भी प्रभावित होता है, तो अगर वायु खराब है बाहर तो वो वायु अंदर भी खराब होगी। कहने का मतलब कि घर एयरटाइट नहीं होते हैं, बाहर की वायु अंदर भी जाती, और घर के अंदर भी अगर हम सही एहतियात ना बरतें, ऑफिसेज हों या घर हों और वहाँ पर वेंटिलेशन सही ना हो और उसकी साफ़ सफाई ना हो, तो अंदर का वातावरण भी, अंदर की वायु भी इतनी प्रदूषित हो सकती है जितनी बाहर की है। इसलिए दोनों वातावरण को इम्प्रूव करना, उसको उसमें सुधार लाना बराबर की आवश्यकता रखती है, ताकि हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकें और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बच सकें। इसको लेकर किस तरीके से तैयारी करी जा रही है, किस तरीके से जी तैयारी ये है कि सबसे पहले एक अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होता है, जिस रिसर्च में हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी वायु में कौन से ऐसे कण हैं या कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, पहले उनका पता लगाया जाता है। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ये कहाँ से आ रही हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, और तीसरी चीज़ है कि लोग अपनी दैनिक ज़िंदगी में क्या क्या सावधानियाँ बरतें कि प्रदूषण में रहते हुए भी वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें, और प्रदूषण को कम करने में आम नागरिक, हर देश का, हर राज्य का, हर शहर का नागरिक अपनी तरह से किस तरह, अपनी तरफ से किस तरह से कंट्रीब्यूट करे कि वो जो वायु है उसको बेहतर बनाया जा सके, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट, और मैं डायरेक्टर हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च, जोधपुर। मैं डॉक्टर राधा गोयल, सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट की तरफ से, और ये एक हमारा सेकेंड एडिशन है एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन इंडोर एनवायरनमेंटल क्वालिटी, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट एडिशन हमने 2019 में किया था, फिर पेंडेमिक के बाद दिस इज़ द सेकेंड एडिशन वी आर डूइंग, एंड देर आर द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज हियर, लाइक एंड वी हैव 500+ पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड 60+ प्रेजेंटेशंस अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया से कीनोट स्पीकर्स हैं, यूके यूनिवर्सिटी ऑफ सरे से हैं, और डेनमार्क से भी, लाइक वी हैव एन एक्सपर्ट्स प्रेजेंटेशंस, वी हैव अक्रॉस इंडिया ऑल IITs, NITs, यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पेपर्स, द एक्सपर्ट्स एंड द रिसर्चर्स हु आर गोइंग टू प्रेजेंट देयर स्टडीज ऑन इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी। दिस इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल लाइक इंडिया हम लोगों के यहाँ पे स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्योंकि अभी एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जब हम इंडोर एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो इंडोर एयर क्वालिटी इज़ मच मोर पोल्यूटेड एज कम्पेयर टू द एम्बिएंट एयर क्वालिटी, एंड द रीसेंट पैंडेमिक रिसर्च हैज शोड दैट एयर क्वालिटी इनसाइड द बिल्डिंग्स इज 1.7 टाइम्स हायर पोल्यूटेड दैन द एम्बिएंट एयर क्वालिटी। तो उन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स, इंडोर पोल्यूशन क्या है, इंडोर में थर्मल कंफर्ट्स, वेंटिलेशन, अकाउस्टिक, लाइटिंग, विजुअल कंफर्ट्स, ऑल जितनी भी थीम्स हैं उसको हाईलाइट करते हुए डिफरेंट सेशंस, पूरे 2 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने प्लान किया है, एंड होपफुली यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स हैं, जो रिसर्च की गई है उसके बेस पे इंडिया को ये हेल्प मिलेगा। हम लोग इसमें CPCB के साथ टाई अप कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ टाई अप कर रहे हैं, कि किस तरह से इंडिया के लिए हम एक गाइडलाइंस बना सकें इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी के लिए, जिसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स, जिसमें ऑफिस बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स,
स्कूल्स, ऑफिसेज, सबके लिए हम लोगों को एक गाइडलाइंस बनाना है। तो ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें एक वे फॉरवर्ड मिलेगा। इसकी प्रोसीडिंग्स को हम मिनिस्ट्री को वी विल बी सबमिटिंग और उसके बेस पे कुछ गाइडलाइंस इंडिया के लिए प्रपोज करेंगे।